हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन अब की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि रसायन में लेशन नंबर एक रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा अपना डिस्कस हो रहा था। उसमें पिछली क्लास में भी अपन ने यौगिक निर्माण कैसे होते हैं, अम्लीय और क्षारीय मूलकों के द्वारा मतलब ऋणायन व धनायन के द्वारा उसको अपन ने समझा था। आज भी अपन कुछ यौगिक लेके आए हैं, इसका यौगिक निर्माण कैसे होता है, आपको ये यौगिक है इनके सूत्र कैसे आपको ज्ञात करने हैं वो मैं आपको आज यहाँ पर सिखाऊंगा। तो ध्यान से, मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ एग्जांपल भी दिए थे करने के लिए, और ये आपके लिए कुछ और एग्जांपल लेके आया हूँ। इसके अलावा और एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, ताकि आपको कभी भी किसी भी यौगिक का नाम से सूत्र पता करना हो या सूत्र से नाम पता करना हो तो वो सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं यौगिक निर्माण की क्लास सेकंड में। फर्स्ट है अपने पास में अमोनियम फास्फेट, इसकी बात करते हैं बेटा। अमोनियम फास्फेट, देखिए इधर, अमोनियम फास्फेट में धनायन कौन है? अमोनियम। तो ये अपने पास में इसकी बात करेंगे NH4+, या इसको अगर लिख लो अमोनियम अपने पास में यह लिख लिया क्लियर, और फास्फेट अपन ने यानी क्लियर। और फास्फेट का सूत्र क्या होता है बेटा? PO4-3, राइट। अब आपको पता है कि आपके आवेश बिना संख्या के क्या हो जाते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। NH4 पे क्या जाएगा अपने पास में? 3, और PO4 पे क्या आ जाएगा अपने पास में? 1, और इसको अपन लिखेंगे तो क्या? NH4 का होल थ्राइस PO4, NH4 का होल थ्राइस PO4। क्या है ये? अमोनियम फॉस्फेट। क्या है ये? अमोनियम फॉस्फेट। क्लियर हो गया? देखो ये 3 ही आ गए, ये 1 आ गया, प्लस का मतलब प्लस 1 है, तो 1 ही आ गया। तो इसको लिखेंगे NH4 का होल थ्राइस PO4, NH4 का होल थ्राइस। ध्यान देना, 2 को बोलते ट्वाइस और 3 को बोलते थ्राइस, राइट। आगे चलते हैं, सेकंड है आपका मर्क्यूरिक क्लोराइड। बेटा मैंने आपको चार चीजें दिखाई थी, ध्यान देना किस किस की। एक तो मर्करी HG, देखिए इसकी दो होती है +1 और +2, एक लिखा था Fe की +2 और +3, एक लिखा था कॉपर की +1 और +2, एक लिखा था SN की +2 और +4, क्लियर। तो ये तो थे सारे, इनमें तो लगता है अस मर्क्यूरस फेरस क्यूपरस स्टेनस, इनमें लगता है एक मर्क्यूरिक फेरिक क्यूप्रिक स्टेनिक, क्लियर। अब यहां पर अपन इसकी बात करते हैं, इसकी मर्क्यूरिक क्लोराइड की। तो देखिए इसमें ये बात आपको ध्यान रखनी है, कब आपको मर्क्यूरिक है तो क्या लेना है, मर्क्यूरस होता तो क्या लेते हैं। अब ये सेकंड वाला अपन लेते हैं, देखिए ये तो लिख दिया मैंने आपको मर्क्यूरिक, तो मर्क्यूरिक में अपन क्या लेते हैं बेटा? Hg+2, और आपको दूसरा है क्लोराइड, तो क्लोराइड सब जानते हो क्या होता है? Cl-। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, Hg की संख्या तो जाएगी 1 और Cl की संख्या हो जाएगी, इसको क्या लिखेंगे अपन? HgCl2। क्या लिखेंगे बेटा? HgCl2, मर्क्यूरिक क्लोराइड। क्या लिखेंगे? मर्क्यूरिक क्लोराइड। आगे बात समझ में? कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। आगे चलें, नेक्स्ट एग्जांपल अपना कौन सा? फेरस सल्फेट, इसकी बात करेंगे बेटा। फेरस सल्फेट देखिए नंबर 3 अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। फेरस आपका क्या है? धनायन है, और ये क्या है? सल्फेट। क्या है? सल्फेट। फेरस है तो अभी बात की थी अपने, फेरस +2, सल्फेट क्या हो गया आपका? -2, राइट। क्या कर लो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? Fe भी क्या आ जाएंगे? 2। SO4 भी क्या आ जाएंगे अपने पास में? 2। अब यहां पर दो और दो समान है, और इनका अपन को क्या मिल सकता है? सह अनुपात। इसको अपन जब लिखेंगे सूत्र में, तो यहां पर अपन क्या करेंगे? सरल अनुपात में चेंज कर देंगे। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, 2 एकम 2,
तो अपने पास क्या सूत्र बन जाएगा, एफ ई एसओ फोर, क्या बन जाएगा, एफ ई एसओ फोर। क्लियर, आगे चले। नेक्स्ट आ रहा है अपना कौन सा, क्यू प्लस क्लोराइड, इसकी बात करेंगे बेटा, क्यू प्लस क्लोराइड। देखिए क्यू प्लस क्या होता है बेटा, सी यू प्लस क्लोराइड क्या होता है, सी एल माइनस। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, सी यू कितना हो जाएगा वन, और सी एल कितना हो जाएगा आपका वन, तो वन और वन तो क्या बन जाएगा, सी यू सी एल। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जब आपके नाम लिखे हुए हैं तो आपको नोट्स में दिए हुए सूत्र आप देख के बना सकते हो, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बिना देखे भी आप इसको बना सकते हो, क्यू प्लस क्लोराइड सी यू सी एल। क्लियर, आगे आता आपका कौन सा, मैग्नीशियम नाइट्रेट, इसकी बात करते बेटा, मैग्नीशियम नाइट्रेट। देखिए मैग्नीशियम मैग्नीशियम नाइट्रेट, देखिए मैग्नीशियम क्या होता है आपका, Mg प्लस टू, और नाइट्रेट होता है आपका NO3 माइनस। क्लियर, अब यहां क्या करेंगे, इन दोनों को आवेश को क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, Mg पे की संख्या कितनी जाएगी, एक, जो माइनस एक है यहां पर, और NO3 में कितना हो जाएगा अपने पास में, दो, ठीक है, एक और दो है, तो इसको अपन को सरल अनुपात में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है, तो अपने पास सूत्र बन जाएगा अब Mg NO3 का होल ट्वाइस, NO3 में आपके परमाणु अलग अलग है, इसके लिए इसकी संख्या अगर एक होती तो नहीं लिखते, परंतु यह संख्या दो है तो अपने इसको ब्रैकेट में लिखा है Mg NO3 का होल ट्वाइस, राइट, ये हो गया मैग्नीशियम नाइट्रेट। क्या हो बेटा, मैग्नीशियम नाइट्रेट। क्लियर, लास्ट आता है आपका फेरस सल्फाइड, क्या आता है बेटा, फेरस सल्फाइड, लास्ट एग्जाम्पल है आपका फेरस सल्फाइड। देखिए बेटा फेरस आ गया, और दूसरा है आपका सल्फाइड, राइट, ध्यान देगा सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइट, ध्यान में इसका सल्फाइड ड है यहां पर, तो फेरस का होता है Fe प्लस टू, सल्फाइड का होता है S माइनस टू। क्लियर, तो यहां पे अपन पास में क्या हो जाएगा, Fe भी कितने जाएंगे दो, और S भी कितने जाएंगे आपके पास में, दो, अब दो और दो का सरल अनुपात आ सकता है, दो से दो कैंसिल हो गए, अपने पास क्या बच गया आपका FeS, क्या बच गया FeS, फेरस सल्फाइड, क्या बोलेंगे, फेरस सल्फाइड। अब आपको इन दोनों क्लास से किसी भी यौगिक का सूत्र बनाने में दिक्कत नहीं होगी। क्लियर, अब आपको कुछ उदाहरण और मिलेंगे जिनको आपको घर पे सोल्व करना है, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि दोनों क्लासों से आपको यौगिक निर्माण करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सूत्र से नाम लिखे या नाम से सूत्र लिखे, ये दोनों आपकी चीज क्लियर हो चुकी है। आज के लिए इतना ही, वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू क्लास।